जीडीए के द्वारा फिल्मों की शूटिंग के लिए नौकायन पर वर्क प्लान बनाया जा रहा है, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि गोरखपुर बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर जगह है और यहाँ पर हजारों की संख्या में पर्यटक रोज आते हैं, जिसमें रामगढ़ ताल भी शामिल है जो कि मुंबई की जूहू चौपाटी को भी फेल कर रहा है। यहाँ पर प्राणी उद्यान केंद्र है, बौद्ध संग्रहालय है, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, नक्षत्रशाला है, गीता प्रेस है और गोरखनाथ मंदिर है जो कि विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऑलरेडी फिल्मों की शूटिंग हो रही है। उन्होंने कहा गोरखपुर के सांसद एक्टर हैं, जिसको देखते हुए निर्णय लिया गया है कि फिल्मों की शूटिंग को एक ऐसा पॉलिसी बनाया जाए जिससे ज़्यादा लोग आकर्षित हों, क्योंकि यहाँ पर सुंदर व सस्ता लोकेशन है जिसके लिए एक कम्युनिटी बनाई गई है जो कि इस पूरे क्षेत्र में फिल्मों को प्रमोट करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे लोग आकर्षित हों उसकी पॉलिसी बनेगी और मुख्यमंत्री से अनुमोदन लिया जाएगा और गोरखपुर में लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि पर्यटकों की संख्या के साथ लोगों को रोजगार मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा नहीं, देखिए जैसा कि हम सभी को पता है कि गोरखपुर एक बहुत ही तेजी से विकास करने वाला शहर के रूप में उभर के आया है और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर जगह है और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में पर्यटक रोज़ आते हैं। जैसे कि रामगढ़ ताल है हमारे पास, इतना सुंदर है कि जो कि मुंबई के जूहू चौपाटी को भी आजकल फेल कर रहा है। हमारे पास इतना सुंदर जू है, बौद्ध म्यूज़ियम है, हमारा वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ऐसे तमाम चीज़ें, नक्षत्रशाला है, गीता प्रेस है, गोरखनाथ मंदिर अपने आप में बहुत प्रसिद्धि वाला स्थल है, तो हज़ारों की संख्या में पर्यटक यहाँ पे आते हैं। तो और यहाँ पे ऑलरेडी मूवीज़ की शूटिंग्स वगैरह भी बहुत सारी होती हैं। हमारे जो माननीय सांसद जी हैं वो स्वयं एक्टर भी हैं, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि यहाँ पे हम लोग क्यों ना एक मूवीज़ को शूटिंग के लिए एक ऐसा पैकेज, एक ऐसा प्लान, एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों, क्योंकि यहाँ पे एक तो सुंदर लोकेशंस भी हैं और दूसरी तरफ सस्ता लोकेशंस भी है और हर तरह की सुविधाएं भी हैं। तो इसीलिए हम लोग एक कमेटी बनाए हुए हैं जो एक पॉलिसी बना रही है कि इस पूरे क्षेत्र में मूवी मेकिंग को प्रमोट करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ताकि लोग अट्रैक्ट हों। तो जल्दी ही वो पॉलिसी बनेगी और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुमोदन उसका लिया जाएगा और उसके लिए गोरखपुर के लिए यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। उससे जो है बहुत फ़ायदा होगा, हमारे यहाँ पर्यटकों की संख्या तो बढ़ेगी ही, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा।